गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स शो सत्ते पे सत्ता में। यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट खबरों को डेली आपके साथ डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आपको याद भी कराते हैं। ठीक है, तो मैं आपकी करंट अफेयर्स फैकल्टी प्रिंशिला गांधी आपके साथ जुड़ती हूँ बच्चों रोज़ शाम को 7 बजे। आपकी सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे, नोट्स आपको कैसे बनाने हैं मैं बताती हूँ, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, टू द पॉइंट हम बात करते हैं। फालतू डिस्कशन नहीं रहती है यहाँ पे कि अननेसेसरी फैक्ट्स हमें नहीं पढ़ने हैं। जितना हमारे जो वन डे एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि कैसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, किस तरीके से एक न्यूज़ को 4 तरीके से कवर कर सकते हैं, क्या पूछ लिया जाएगा, वो फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आप नोट ज़रूर करिएगा इसको, बिकॉज रिवीजन जब आप करोगे तो आपके पास एक अच्छा खासा मटेरियल तैयार होगा क्रिस्प फॉर्म में। ठीक है, भर भर के थ्योरी नहीं लिखनी होती आपको, टू द पॉइंट लिखना होता है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करेंगे बच्चों आज की क्लास को। स्टूडेंट्स, जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए तो उस दिन आप ये सुनिश्चित कर लेना, कंफर्म हो जाना कि आप ना पक्का गलत मार्ग पर चल रहे हो। आपका जो रास्ता है, आपकी जो डायरेक्शन है, वो गलत है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, अगर आप ये सोचते हो ना कि सारी दुनिया भर का जो बोझ है, जो परेशानियां हैं, जो दुखी चीज़ें हो रही हैं, वो मेरे साथ ही हो रही हैं, ऐसा लगता है ना हमेशा हमें देखकर कि बाकी लोग तो बड़े खुश हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई यहाँ घूमने जा रहा है, कोई सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट कर रहा है, आपको उससे अफेक्ट नहीं होना है। वो सिर्फ एक पिक्चर होती है जो हमें दिखती है कि लोग बड़े खुश हैं। ये हमारी गलत फहमी है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा स्कोर कितना लो है इंडिया का। तो हर कोई सेम चीज़ से ही जूझ रहा है। हाँ, प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी, बट आपको उसमें भी कैसे खुश रहना है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि परेशानियों के साथ ही चलकर आपको जो है अपनी लाइफ गुजारनी है, बट हंसी खुशी। ठीक है, काम भी करोगे, दुखी नहीं होना है बच्चों। ठीक है, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि मुस्कुराहट के साथ आपको अपना जीवन बिताना है, दिन की शुरुआत करनी है और हर परिस्थिति में आपको मुस्कुराते रहना है। और इसी मुस्कान के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे पहली न्यूज़ से। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट नेशनल न्यूज़ यहाँ पे क्या हो जाती है, फर्स्ट सेक्शन है राष्ट्रीय खबर का, जिसमें ग्रिड इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको मिनी रत्ना का स्टेटस मिला है। यहाँ पे तो बच्चों आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि मिनी रत्ना स्टेटस अभी किसको मिला है, नाम लिखोगे ग्रिड इंडिया। ठीक है, तो पावर ग्रिड जो है इसको हैंडल करता है, पावर जनरेशन का काम रहता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का इसमें काम रहता है। ठीक है, जो ग्रिड होती है ना, ग्रिड्स बने होते हैं यहाँ पे, जो केबल लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली का जो ट्रांसमिशन होता है ना, तो वो ये कंपनी है काम कर रही है। ठीक है, तो ग्रिड इंडिया इसको क्या स्टेटस मिला है, अभी मिनी रत्ना का स्टेटस मिला है। तो यहाँ पे बच्चों जो कंपनीज होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, सरकारी होते हैं ये, ठीक है, CPSEs बोलते हैं ना इनको, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको ओन करती है। ठीक है, उनकी हकदारी होती है इन पर। तो यहाँ पे आप देखोगे, आपने सुना होगा नवरत्ना का नाम, ठीक है, फिर महारत्ना भी होता है और एक ये मिनी रत्ना है। ठीक है, तो मिनी रत्ना के अंदर क्या होता है कि 3 साल का ना टर्नओवर देखा जाता है, किसी एक साल में भी अगर 30 करोड़ से ज़्यादा आ जाता है, क्या टर्नओवर, कितना बच्चों, एनुअल टर्नओवर पूरे साल का 30 करोड़ से भी अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम मिनी रत्ना के अंदर काउंट करते हैं। मिनी रत्ना स्टेटस इसलिए यहाँ पे इसको मिला है। तो नाम लिखना है आपको ग्रिड इंडिया। क्वेश्चन में ऐसे आएगा कि देखो स्टेटस कौन सा मिला है, मिनी रत्ना, नवरत्ना, महारत्न या फिर नन ऑफ द अबव, कन्फ्यूजन तो होएगी फिर आपको। ठीक है, तो मिनी रत्ना बड़ी कंपनी है, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे कि मिनी बड़ा छोटा सा पार्ट है, ग्रिड है, एक छोटी सी ग्रिड है जिसको क्या मिला है, मिनी रत्न स्टेटस मिला है। बच्चों 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था ये, 2009 इसका ईयर है, इसको भी लिख लो। साथ ही में देखो मिनिस्ट्री ऑफ पावर इस पूरे पावर ग्रिड को हैंडल कर रही है, तो यूनियन मिनिस्टर कौन हो जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, राजकुमार सिंह, राइट। मैंने आपको पहले भी याद कराया था कि पावर किसके पास होती है, राजा के पास। तो जब भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर की बात आएगी तो आपको राजकुमार सिंह का नाम याद रखना है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखेंगे यहाँ पे कि इंस्टॉल्ड पावर कितनी है, इंस्टॉल्ड पावर कितनी है अगर हम पावर ग्रिड की देखें तो 417.68 गीगावाट, ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है ग्रिड इंडिया की अगर हम बात करें। ठीक है बच्चों, क्लियर है इस न्यूज़ से, लिख लेंगे इसको, मिनी रत्न स्टेटस मिला है ग्रिड इंडिया को, टू द पॉइंट वाली बात है, और ये भी आपको राजकुमार सिंह का नाम यहाँ पे याद रखना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, जो मिनी रत्न है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस 75 है टोटल, राइट, इंडिया की बात करें टोटल तो 75। अब यहाँ पे कौन जुड़ गए हैं, पावर ग्रिड, ग्रिड इंडिया। ठीक है, क्लियर।
सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड न्यूज विच इज इंटरनेशनल. इंटरनेशनल सेक्शन में बच्चों अंतर्राष्ट्रीय में क्या इंपॉर्टेंट है, देखो समिट्स, कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स, डायलॉग्स, ये सब चीज़ें होती रहती हैं. ज़्यादातर चीज़ें न्यू दिल्ली में होती हैं, कैपिटल में होती हैं, है ना. तो अभी जो है स्टार्टअप्स को लेकर भी काफ़ी सारे स्कीम्स और इनिशिएटिव्स लॉन्च होते हैं. तो स्टार्टअप इकोसिस्टम पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे काफ़ी काम हो रहा है. यहाँ पे देखो क्या हुआ है, फोर्थ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम. शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, SCO. स्टार्टअप फोरम्स के स्टूडेंट यहाँ पे क्या होते हैं, ये पूरा जो मीटिंग होता है न्यू दिल्ली में हुआ है इस बार. ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ है. इस बार का कौन सा एडिशन था, फोर्थ था. पहले के तीन देखो लगातार कंजेक्यूटिव ईयर से लगातार होते आ रहे हैं, 2020, 21, 22, 1, 2, 3. ठीक है, 1, 2, 3. तो 23 वाला फोरम 3.0 था, 21 वाला 2.0 था, 20 वाला 1.0 था. स्टार्टअप फोरम्स हैं ये और SCO इसको करवाती है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. जानेंगे इसके बारे में. याद रखना है इस बार वाला फोर्थ था, कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में. ठीक है, ये देखो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ बच्चों जब ये न्यूज़ में है और काफ़ी रहती है न्यूज़ में, तो इसकी डिटेल्स करना भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, जो कि इसका इस्टेब्लिशमेंट है. कब बनी थी ये, ईयर देखेंगे इसका, 2001. लिख लो इसको बच्चों, SCO लिखो हेडिंग, फिर क्या करोगे तुम. अब ईयर वियर कुछ नहीं लिखना है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल डैश लगाओ, लिखो 2001. ठीक है, सिंपल. उसके बाद मेंबर्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. फिर लिखोगे 9 कुमारों के गोला. गोला मतलब 9 कंट्रीज इसमें शामिल हैं. मेंबर स्टेट्स कौन से हैं इसमें, देखो एक तो है CRIP, क्रिप, और आई और ईरान, इंडिया और ईरान दोनों आ रहे हैं. तो एक तो तुम क्रिप लिख लो, CRIP, दो आई हैं, क्रिप हो गया ये. ठीक है, चाइना, रशिया, इंडिया, ईरान, पाकिस्तान. फिर देखो तान 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 तान, चार तान हैं इसमें. KKTU, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान. ठीक है, चार तान और है, यही बचते हैं. बस याद रखना है अफगानिस्तान इसमें नहीं है, ठीक है, वो भी तान से आ रहा है, तो अफगानिस्तान का नाम बच्चों नहीं है. बाकी देखो KKTU, क्रिप, KKTU, तो क्रिप तो याद रखोगे, क्रिप के अंदर डबल आई है. ठीक है, आई दूसरा किसके लिए है, आई से बहुत सारे होते हैं, ईरान है, इंडिया और ईरान, इंडिया और ईरान, याद रखोगे. ऑब्जर्वर स्टेटस देखो किसको मिला हुआ यहाँ पे, बेलारूस और मंगोलिया. हेडक्वार्टर्स भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, चाइना के बीजिंग में क्या है, इसके हेडक्वार्टर्स हैं. तो बच्चों SCO कब बना था, 2001 में. इन 9 देशों का नाम आपको याद रखना है. जब SCO की बात हो रही है तो यही पूछेंगे कौन सी कंट्री शामिल नहीं है या कौन सी कंट्री शामिल हैं. ठीक है, क्लियर है. क्रिप और KKTU लिख लेना इसको, बस ये नोट्स हैं जो मैं यहाँ लिखती हूँ ना, वो नोट्स होते हैं, ये नोट्स नहीं होते. ये मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, नोट्स ये हैं, ऐसे लिखना है तो ही बाद में आपको आसानी से याद होगा. ठीक है बच्चों, इट इज़ अबाउट द SCO. अब देखो थर्ड जो है आपका न्यूज़, बैंकिंग सेक्शन से है. बैंकिंग में स्टूडेंट्स कौन सी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, देखो एयरटेल पेमेंट्स बैंक यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने क्या निकाला है, एक स्मार्ट वॉच निकाली है. तो बात यहाँ पे किसकी हो रही है, एक स्मार्ट वॉच की हो रही है. लॉन्च किसने करी है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने. अब क्या इनका मुद्दा है, ये स्मार्ट वॉच कब से बनाने लग गए, ये वाला बैंक है जो एयरटेल का ट्रांजेक्शन्स होते हैं यहाँ पे. ठीक है, एयरटेल जो है पूरा टेलीकॉम में आ गया, ये तो टेलीकॉम में आ गया है ना. अब यहाँ पे ये स्मार्ट वॉच क्यों बना रहा है, तो देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कोलैबोरेशन करा है इन्होंने नॉइज. हाँ, नॉइज की स्मार्ट वॉच तो होती है, बहुत से लोगों ने पहन भी रखी होगी, जैसे मैंने पहन रखी है, तो मैं यहाँ प्रमोशन नहीं कर रही, बट देखो नॉइज और मास्टर कार्ड यहाँ पे इन्होंने कोलैबोरेट करा है स्मार्ट वॉच को लॉन्च करने के लिए. क्या करने के लिए, डिजिटल ट्रांजेक्शन हो पाएंगे वॉच के थ्रू. ठीक है, तो इससे क्या होगा ना बच्चों, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट इंश्योर करेंगे, कि जिससे एयरटेल पेमेंट बैंक की जो स्मार्ट वॉच है उससे हम बिना कॉन्टैक्ट बनाए पेमेंट्स कर पाएंगे. तो पेमेंट करने के लिए, ट्रांजेक्शन करने के लिए ये स्मार्ट वॉच स्पेशली डिज़ाइन करी है. तो आपको बस ये याद रखना है कि डिजिटल ट्रांजेक्शन को स्मार्ट वॉच से करने के लिए ये स्मार्ट वॉच किसने लॉन्च करी. टू द पॉइंट लिख लो यहाँ पे कौन सा है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक है बच्चों. ठीक है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, कोलैबोरेशन है इनका नॉइज और मास्टर कार्ड के साथ. ठीक है, देख पा रहे हो आप, ये इमेज भी लगी हुई है यहाँ पे, पेमेंट्स बैंक स्मार्ट वॉच, अ न्यू वे टू पे, राइट. ओके, गॉट इट बच्चों, समझ आ गया इतना. फिर देखो फोर्थ सेक्शन है इंपॉर्टेंट डेज का, तो देयर आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज. डेली कोई ना कोई डे तो सेलिब्रेट हो ही रहा है, ऑब्जर्व करा जा रहा है ना. अब इसके अंदर किस तरीके से आप डेट्स याद रखोगे, थीम याद रखोगे, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा. ठीक है,
तो उसकी भी स्पेशल ट्रिक्स होती है। लाइक आप देखो, अगर हम 20-21 मार्च की ही बात करें तो दो तीन तीन डेज यहाँ पे हैं, ठीक है, और भी हैं। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि कौन सा पहला है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इसको एलिमिनेट करने के लिए डे ऑब्जर्व करा है 21 मार्च को। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन RD21 लिखो इसको, RD21। अब यहाँ तो मैं लिखना पड़ेगा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना, थोड़ा रेफरेंस भी चाहिए होता है। सारे वर्ड वर्ड लिख दोगे ना, बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगी कि इसका मतलब क्या था। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लिखो 21 मार्च, यहाँ पे हो गया। अब थीम देखो यहाँ पे क्या है, रिकॉग्निशन जस्टिस डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल डिकेड फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट। तो थीम के अंदर अफ्रीका का नाम आ रहा है, ठीक है, अफ्रीकन डिसेंट। तो यहाँ पे आप इससे याद रखोगे थीम के अंदर अफ्रीका का नाम है, तो वो हो जाएगी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की थीम। फिर वर्ल्ड पोइट्री डे, यहाँ पे इसका 21 मार्च ही डेट है, सेम है। और इसकी जो थीम है वो क्या हो जाएगी बच्चों, स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। ऑल राइट, और देखिए आप वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, ओरल हेल्थ डे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो जितने भी इसके अंदर केसेस आ रहे हैं ना ओरल हेल्थ में, कितने दिखाए गए हैं, 3.5 बिलियन केसेस ओरल डिसीजेस जो हो जाती है, कौन से ईयर के बीच में, 2019 तक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे केसेस हैं। तो इसको इस मतलब बीमारियों को ऑब्जर्व करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए स्पेशल एक डे है 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च को ये ऑब्जर्व करा जा रहा है, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ केसेस है ना वो बढ़ते जा रहे हैं ओरल डिसीजेज में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप इसकी डेट याद रखोगे और केसेस इसके बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ओरल हेल्थ डे यहाँ पे ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड लेवल पे। ओके, पोइट्री डे याद रखोगे 21 मार्च, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाला है 21 मार्च, थीम के अंदर अफ्रीकन डिसेंट आएगा, राइट। ओके बच्चों, ये तीनों डेज क्या हो जाएंगे आपके इम्पॉर्टेंट फ्रॉम 20 and 21 मार्च। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ सेक्शन है अवार्ड्स का। तो यहाँ बच्चों अवार्ड्स भी आते रहते हैं जैसे न्यूज़ में, है ना, तो जिन भी लोगों को अवार्ड्स मिलता है, जो उनके रेसिपिएंट हैं, कौन सा अवार्ड मिला है और थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड वो जानना ज़रूरी हो जाता है कुछ कुछ अवार्ड्स के लिए, ठीक है। कुछ तो आपके टू द पॉइंट ही आपको लिखने होते हैं, जैसे कि अभी देखो ये जो रेसिपिएंट हैं इसमें किनको मिला है, डॉक्टर उमा रेले को। उमा रेले कौन सा अवार्ड मिला है, महाराष्ट्र का गौरव अवार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों उमा और गौरव क्या हैं, फ्रेंड्स हैं। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय, जो कि कहाँ पे है बच्चों, मुंबई में है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, मुंबई में, उमा और गौरव, ऐसे याद रखोगे यहाँ पे, ठीक है। उमा रेले को मिला है, इन्होंने ऑर्गेनाइज करा था, बट आपको मेन इसमें यही याद रखना है कि महाराष्ट्र का ये अवार्ड है और उमा रेले को मिला है, ठीक है, टू द पॉइंट वाली बात है, रख लोगे इसको याद। अवार्ड सेक्शन से बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए अगला है आपका प्लेसेस इन न्यूज़। तो बच्चों यहाँ पे इंटरनेशनल या नेशनल, इंडिया में या किसी और विश्व में जो देश हैं वहाँ पे जो प्लेसेस, जो कंट्रीज, जो सिटीज़ या कोई भी ज्योग्राफिक लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, कोई नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोई फॉरेस्ट है, कोई स्पीशीज़ है, तो उन सब चीज़ों को हमें एक लेवल पे याद रखना होता है कि वो कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है। ओके, तो प्लेसेस इन न्यूज़ सेक्शन है आपका 6, यहाँ पे कौन सा प्लेस है न्यूज़ में, तो ये है बेटा बुल्गेरिया, जिसकी कैपिटल है सोफिया, बुल्गेरिया है, ठीक है, नाम क्या है, बुल्गेरिया। तो इसका हम देखेंगे अब बैकग्राउंड कि कहाँ पे लोकेटेड है। तो देखो बुल्गेरिया ये है कहाँ पे, यूरोप में प्रेजेंट है ये, ठीक है, और इसकी कैपिटल है सोफिया। तो कैसे याद रखो कैपिटल को बच्चों, कैपिटल याद रखनी है सोफिया ना, बड़ी नाजुक सी प्यारी सी एक लड़की है जिसको गिरने से बचाना है, ठीक है, छोटी सी प्यारी सी लड़की है, गिरने से बचाना है, इसलिए बुल्गेरिया, गिरने से बचाना है सोफिया को, ठीक है। तो बुल्गेरिया, भाई कौन गिर रहा है, सोफिया गिर रही है, उसको बचाओ, सोफिया है कैपिटल बुल्गेरिया की, ठीक है, कहाँ पे है, यूरोप में। अब देखो इसकी लोकेशन कहाँ पे है बच्चों, साउथ ईस्टर्न यूरोप में, अगर हम देखेंगे तो यूरोप का साउथ ईस्ट लोकेटेड है यहाँ पे, और बलकान पेनिनसुला। अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इसकी लोकेशन, तो इसके कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स भी हम देखेंगे। बुल्गेरिया इज़ हेयर इन यूरोप, कैपिटल है देखो यहाँ पे सोफिया, आप देख पा रहे हो बलकान पेनिनसुला, ये बलकान माउंटेन्स पूरे दिख रहे हैं आपको, पूरे फैले हुए हैं इस तरीके से इसके नॉर्थ में, है ना। उसके बाद क्या है यहाँ पे, बॉर्डरिंग कंट्रीज बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, कौन कौन सी कंट्री से ये बॉर्डर हो रहा है। तो इधर देखो रोमेनिया है ना नॉर्थ में, सर्बिया है, फिर ग्रीस है, मैकेडोनिया है साउथ में,
साउथ में कौन सी है? ग्रीस एंड मैकेडोनिया। फिर आप देखोगे इधर वेस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको सर्बिया मिलेगा, ओके, और टर्की मिलेगा साउथ में, ठीक है। टर्की दिख गया इधर, टर्की दिख गया बच्चों, ये साउथ की हैं, ये आपकी नॉर्थ और वेस्ट की हैं। और ईस्टर्न यहाँ पे क्या है? ब्लैक सी, जो मैरिटाइम बॉर्डर बना रहा है, ये किसके साथ बना रहा है? ब्लैक सी के साथ। तो आप देखो यहाँ लिखा है ब्लैक सी, तो इसके साथ मैरिटाइम बॉर्डर इसका बन रहा है अगर आप ईस्टर्न साइड पे इसको देखोगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ माउंटेन रेंजेस, कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसमें ना सिर्फ माउंटेन और रिवर्स इतना कर लोगे बहुत रहता है। तो कुछ माउंटेन्स देखो, एक बलकान माउंटेन्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, और रोडोप माउंटेन्स, ये देखो रोडोप ये रहे, फिर पिरिन है, रिला है, पिरिन और रिला माउंटेन्स दिख रहे हैं बच्चों। उसके बाद यहाँ पे जो रिवर्स है, कौन सी रिवर्स है? देखो मरित्सा रिवर, ठीक है, मरित्सा रिवर है यहाँ पे, और कौन सी रिवर है? मरित्सा और इस्कर। इस्कर कहाँ है बच्चों? इस्कर येरी, ठीक है, इस्कर रिवर। दनूबे रिवर है इधर, ठीक है, येरी दनूबे रिवर। तो इस्कर, दनूब और मरित्सा रिवर, ये यहाँ पे रिवर्स हो गई। माउंटेन्स मैंने बता दिए, हाईएस्ट पॉइंट है इसका, देखो मुसला, ये दिख रहा है आपको इधर मैप में, रिला माउंटेन्स के नीचे, रिला माउंटेन्स है ये जो ग्रीन एरिया है, वहाँ पे आपको मुसला देखने को मिलेगा। आप एक बार इस मैप को ऑब्जर्व करो, और यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स मार्क करे हैं, कुछ कुछ वर्ड्स आप लिख सकते हो जो बुल्गेरिया के अंदर इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं माउंटेन्स की, रिवर्स की, बॉर्डरिंग कंट्रीज भी बच्चों आप याद रखोगे, रोमेनिया, सर्बिया, टर्की, मैकेडोनिया, ग्रीस, ठीक है, क्लियर है, ओके बच्चों। तो इट इज़ अबाउट द बुल्गेरिया विच इज़ द प्लेस रिसेंटली इन न्यूज़, इसका आपको ये बैकग्राउंड याद रखना है, क्लियर। मूविंग ऑन टू द सेवंथ सेक्शन बच्चों, बिजनेस न्यूज़ से कौन सी इंपॉर्टेंट हो जाएगी अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए एक डेटा आया है जिसके अंदर मिनरल प्रोडक्शन इन द कंट्री ग्रोज बाय 5.9%। व्हाई इट इज अंडर द बिजनेस सेक्शन? बिकॉज मिनरल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमारे इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं ना, नेचुरली पाए जाते हैं ये, ठीक है, अर्थ के जो हमारी लेयर्स होती हैं, अर्थ का इंटीरियर होता है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो मिनरल्स, इंडिया जो है वो क्या है? सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है अगर हम कोल की बात करें, बिकॉज कोल और मिनरल्स किसके लिए यूज़ होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, है ना। तो कोल का सेकंड लार्जेस्ट है इंडिया, फर्स्ट है चाइना, हम सेकंड पे आते हैं, फिर भी बहुत बड़ी बात है कि हम बिजली बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कोल का यूज़ कर रहे हैं। कोल एक नेचुरल रिसोर्स है, बट ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। मैंने आपको बार बार बताया है कि जो हमारे रिसोर्स होते हैं वो रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल होते हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो इन चीज़ों को, है ना। तो कोल हमारा नॉन रिन्यूएबल होता है, फॉसिल फ्यूल में आता है, कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस, है ना, कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे सॉलिड फ्यूल होता है हमारा कोल, जिसको जला के हम बिजली बनाते हैं, ये मिनरल कैटेगरी में आता है। अगर हम मिनरल्स की बात करें, एक बार मैं बता देती हूँ आपको, मिनरल्स की जो कैटेगरी रहती है स्टूडेंट्स, लुक केयरफुली, मिनरल्स जो होते हैं कैसे होते हैं? वो मेटालिक और नॉन मेटालिक, ठीक है। इसके अंदर शामिल क्या क्या होता है हम जब बात कर रहे हैं मिनरल्स की, तो मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स। फिर मेटालिक की भी अगर हम बात करें तो फेरस और नॉन फेरस, है ना, फेरस और नॉन फेरस, मतलब जिसके अंदर आयरन होता है और नॉन फेरस में नहीं होता है, ठीक है। और नॉन मेटल्स के अंदर आपके सारे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है। तो बेटा मेटेलिक मेटल्स के जैसे आपने बात करी है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी, कॉपर है, गोल्ड है, आयरन है, है ना। तो यहाँ पे सिल्वर है, जिंक है, एलुमिनियम है, देर आर लॉट ऑफ मेटल्स। तो बच्चों मिनरल्स का क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार होता है, अलग अलग राज्य में ये हमारे भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ हम देखेंगे कि कौन से जो स्टेट्स हैं वो मिनरल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो 40% प्रोडक्शन है ना हमारे देश में मिनरल्स की, 40%
वो कहाँ पे हो रही है? झारखंड में। झारखंड में अलग अलग फील्ड्स पाए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे कोल है, आयरन है, कॉपर है, यूरेनियम है, मीका है, ये सब पाया जा रहा है। तो टोटल प्रोडक्शन जो हमारे भारत में हो रही है उसमें 40% रोल किसका है, कंट्रीब्यूशन किसका है, झारखंड का, जो हमारी ईस्टर्न बेल्ट है, ठीक है। जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है भारत में, उड़ीसा आता है उसमें, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो यहाँ पे मिनरल्स, मिनरल बेल्ट है, ठीक है। यहाँ पे कोल फील्ड्स है, यहाँ पे मिनरल की प्रोडक्शन होती है, यहाँ पे बच्चों माइनिंग होती है। माइनिंग से क्या होता है? मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन होता है हमारे जो धरती है, अर्थ है, उसके सरफेस पे और सरफेस के नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं, ये मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। पत्थर होते हैं ना, रॉक्स एंड मिनरल्स की बात करते हैं हम, उनका अलग अलग टेक्सचर होता है, वो देखने में अलग होते हैं, हार्ड होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ये सब इनकी प्रॉपर्टीज हो गई, अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे माइनिंग करके क्या करते हैं, हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखो उड़ीसा के अंदर कौन से पाए जा रहे हैं, आयरन, बॉक्साइट, मैंगनीज, कोल, क्रोमाइट, है ना। राजस्थान में भी जिंक, लेड, कॉपर, लाइमस्टोन। और बच्चों ये कहाँ पे यूज़ होते हैं मिनरल्स, आपको पता ही होगा, डेली लाइफ में कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स, है ना, बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं। फिर आप कह सकते हो गोल्ड है, ऑर्नामेंटल ज्वेलरी में यूज़ होते हैं, हेल्थ केयर में यूज़ होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इट इज़ ऑल अबाउट द मिनरल्स, जो मैंने आपको शॉर्ट समरी बताई है, आपको कुछ समझ आया इसके बारे में। अब यहाँ पे बात हो रही है इनके प्रोडक्शन की, कि जो प्रोडक्शन है वो 5.9% ग्रो हो गया है, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन है मिनरल्स का, जो हमारी डिपेंडेंसी है इन मिनरल्स पे, वो बढ़ रही है, 5.9 है। अब देखो प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड रहा था इसका 8.3%, अब 5.9 और ग्रो कर गया है, तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और देखो स्कोर क्या रहा यहाँ पे, 144.1, इसको भी लिख लो यहाँ पे, जो कैलकुलेट करा है पूरे प्रोडक्शन का स्कोर 144.1, ठीक है। पिछले साल क्या था, 8.3, अभी लिख लो 2024 करके लिखना है इसको, 2024, फिर डैश लगाओ और लिखो 5.9, अप्रॉक्स आप 6 भी लिख सकते हो, अगर 6 भी आता है ऑप्शन में, 5 का कोई मार्क नहीं है, मतलब 5.2 नहीं है, 5.3 नहीं है, 6 भी आएगा तो आप मार्क कर देना, ठीक है, या फिर आएगा 5.9, तो ऑप्शंस में अगर आपको ये दिखे तो आप मार्क कर देना, ठीक है बच्चों। क्लियर है इस न्यूज़ से इतना अबाउट द मिनरल्स सेक्टर ऑफ आवर कंट्री इंडिया, राइट, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट स्टेट्स। ये सिर्फ बच्चों 4 स्टेट्स हैं पूरे इंडिया में, कहीं ना कहीं मिनरल्स हर स्टेट में पाए जाते हैं, है ना। ओके, सो दीज आर द 7 इंपॉर्टेंट सेक्शंस स्टूडेंट्स, आई होप आपने इसकी नोट मेकिंग कर ली है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द MCQs, प्रैक्टिस की बारी आ गई है, आपको मार्क करना है राइट आंसर, ठीक है, बताते जाना है और देखना है कि आपको कितना याद हुआ है, ठीक है। पहला MCQ देखें यहाँ पे हम, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग टुक ओवर द चार्ज एज गवर्नर ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में कार्यभार किसने संभाला है, क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, पढ़िए इसको, नवीन पटनायक, रघुबर दास, अरविंद पनगरिया और CP राधाकृष्णन, विच इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे CP राधाकृष्णन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, राधाकृष्णन। कैसे, देखो यहाँ पे इन्होंने एज अ सर्व किया है झारखंड के गवर्नर की तरह, ठीक है, झारखंड में भी इन्होंने करा है, अब इन्होंने चार्ज, अब इन्होंने एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, कहाँ की, तेलंगाना की, ठीक है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इनको कहाँ का बनाया गया था बच्चों, पुडुचेरी का, वो वाला काम भी है इनके पास, ठीक है, तो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको दे दी जाती है, इनको एक्स्ट्रा चार्ज मिलता है, तो झारखंड में ये पहले से ही थे, अब कहाँ का मिल गया है इनको, गवर्नर ऑफ तेलंगाना का खिताब, ठीक है। यहाँ पे झारखंड की कैपिटल पता है आपको, रांची है, और मैंने आपको क्या बताया अभी, 40% मिनरल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाता है, क्लियर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है बच्चों, मार्क कर लिया डी ऑप्शन, लिख लिया इसको, गवर्नर ऑफ तेलंगाना, इनका अभी क्या मिला है इनको कार्यभार, तो दिस वॉज द फर्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे आपकी स्क्रीन पर है सेकेंड क्वेश्चन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी बैंड द प्लेयर्स फ्रॉम विच कंट्री फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन ओपनिंग सेरेमनी परेड ऑफ द पेरिस गेम्स। बच्चों पेरिस गेम्स हो रहे हैं यहाँ पे ओलंपिक्स, इसके पेरिस में 2024, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि कौन से जो कंट्री के प्लेयर्स हैं उनका एंट्री इन्होंने मना कर दिया है, कौन से खिलाड़ियों को, मतलब इनको समारोह में भाग लेने के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, रिस्ट्रिक्ट करा गया है, कौन से कंट्री के जो वो हैं भाग नहीं ले पाएंगे खिलाड़ी। तो बच्चों कजाकिस्तान है, मंगोलिया है, रशिया है या किर्गिस्तान है, विच इज द राइट आंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रशिया, ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, सी।
तो रशिया एंड बेलारूस, इन दो कंट्रीज के खिलाड़ियों पे प्रतिबंध लगाए हैं। दोनों ही अगर ऑप्शन में आएंगे तो आपको मार्क करने हैं। ठीक है बच्चों, रशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो पेरिस गेम्स, यहाँ पे इनका जो मास्कॉट है, मास्कॉट याद रखोगे क्या हो जाएगा, ओलंपिक फ्रिज। ठीक है, वो वाला फ्रिज नहीं है, रेफ्रिजरेटर वाला, स्पेलिंग देख लो फ्रिज की, PHRYGE। ठीक है, ओलंपिक फ्रिज इसका मैस्कॉट है। और पेरिस के आपको पता है किसकी कैपिटल है, फ्रांस की, कहाँ पे है, यूरोप में, याद रखोगे ना। ठीक है, फ्रांस, प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन, बताया था मैंने आपको। ओके, सी इज द राइट ऑप्शन, रशिया। क्लियर है बच्चों, मैस्कॉट लिख लेंगे इसका, सेकेंड ऑप्शन जो सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन देन। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड MOU विद धनुक एग्रीटेक लिमिटेड। तो धनुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ एक समझौता करा है किसने, कौन सा इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, शुगर केन है, सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट है, पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, या ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च एग्रीकल्चर रिसर्च। कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, डी इज द राइट ऑप्शन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अगर ऑप्शन में ICAR भी आता है, ठीक है, तो भी आप इसी को राइट आंसर मार्क करोगे। फुल फॉर्म पता होनी चाहिए इसकी ना, काफ़ी सारी एग्रीकल्चर पे है, देखो ये है ना, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो इनकी काफ़ी सारी भर्तियाँ भी होती हैं, इन पर रिसर्च भी होती है, इनके साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व रहते हैं, और नेशनल इंस्टीट्यूट है ये, गवर्नमेंट का है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ICAR फुल फॉर्म है, IARI, कहाँ है ये, न्यू दिल्ली पूसा में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन है, और धनुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ इन्होंने क्या करा है, MOU साइन करा है। बाकी सारे का भी आप जो जगह है वो देख सकते हो, शुगर केन वाला कहाँ है, कोयम्बटोर में, फिर राइस वाला कहाँ है, कटक में, और पल्सिस वाला, दाल वाला कहाँ है, पल्सिस वाला देखो ये भी कोयम्बटोर में है। ठीक है बच्चों, क्लियर है, ओके है, ये डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलें, फोर्थ क्वेश्चन देखें, तो वर्ल्ड स्पैरो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, देखो यहाँ पे बताइए, 2 मई, 20 मार्च, 5 जून और 19 अप्रैल, विच इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 20 मार्च इज द राइट आंसर। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को ही ये देखा जाता है, तो मैंने आपको बताया कि 20 और 21 को काफ़ी सारे डेज ऑब्जर्व करे जा रहे हैं, इसको आप याद रखोगे। हमने देखा था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन डे, वर्ल्ड पोइट्री डे, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डिसीज़। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ल्ड स्पैरो डे को भी लिस्ट में लिख लेना 20 मार्च को, और इसकी थीम भी क्या आप याद रखोगे, आई लव स्पैरोज, वी लव स्पैरोज, आई लव स्पैरो, वी लव स्पैरो, ये इसकी थीम है। ठीक है, और भी लंबी सी थीम है इसकी, बट आपको याद ऐसे ही रखनी है, इसका एक जो यहाँ पे राइम है ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन, क्लियर है स्टूडेंट्स, लिख लिया आपने, ये याद रहेगा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखो, अब फिफ्थ क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज ऑब्टेन्ड द स्टेटस ऑफ मिनी रत्न कैटेगरी CPSE, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ऑप्शन की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए तुम्हें, ठीक है, क्वेश्चन देखते ही आंसर मार्क करो। मिनी रत्न स्टेटस का पूरा तुमको बताया था मैंने कि किसको मिला है, छोटा सा ग्रिड है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा राइट बच्चों, ग्रिड कंट्रोलर को मिला है CPSE में मिनी रत्ना का स्टेटस, छोटा सा मिनी। ठीक है, एक नवरत्ना होता है, एक महारत्ना होता है, ठीक है, टोटल कितने हैं यहाँ पे, 75 टोटल मिनी रत्नाज हैं, उसमें से ग्रिड कंट्रोलर आपका GRID, ग्रिड, सिर्फ ग्रिड लिखा भी आएगा ना, ग्रिड इंडिया, तो भी आप ये लिखोगे, या फिर पूरा लिखा आएगा ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी है कि अलग अलग नहीं है, सेम ही है ये। ठीक है, जहाँ पे भी ग्रिड वर्ड दिख जाए ना आपको, तो मार्क कर देना बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सक्सेसफुली कंडक्टेड द ग्राउंड जेट टेस्ट फॉर द न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल। बच्चों ये आपको बताना है क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, कौन से देश ने ये ग्राउंड जेट टेस्ट किया है हाइपरसोनिक मिसाइल का, तो यहाँ पे रशिया है, म्यांमार है, नॉर्थ कोरिया है, या फिर चाइना है, विच इज द राइट आंसर। अगेन ऑप्शन सी, नॉर्थ कोरिया यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया, जिसमें बॉर्डर कंट्रीज कौन सी है बच्चों, रशिया है, चाइना है, और साउथ कोरिया है, रशिया, चाइना, साउथ कोरिया। ठीक है, योंगयांग इसकी क्या हो जाएगी कैपिटल,
लिख लो इसको, ठीक है लिखो। कोई सा भी देश आता है वहां के ये दो तीन चीजें ही होती हैं, बॉर्डर कंट्रीज, कैपिटल, और वहां के आप प्रेसिडेंट कर लो, जिसके ज्यादा न्यूज में आ रहा है उसके प्रेसिडेंट भी कर सकते हो, और वहां के कुछ जियोग्राफिकल लोकेशंस, माउंटेन, रिवर्स, बस ठीक है। बाकी हम कराई देते हैं आपको, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप लिख लेंगे, इज द राइट आंसर नॉर्थ कोरिया। लास्ट है बच्चों आपकी स्क्रीन पे देखो, सेवंथ क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न है आज का। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द भाषा नेट पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय NIEI, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने करा है, क्या किया है, भाषा नेट पोर्टल लॉन्च करा है, कहाँ पे किया है बताओ जल्दी से, कौन सी सिटी है, लखनऊ, भोपाल, पुणे, न्यू दिल्ली, भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली, ठीक है न्यू दिल्ली, तो इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप भाषा नेट, दिल्ली में सारी भाषा बोली जाती है, सारे लोग रहते हैं यहाँ के, सारी भाषा वाले लोग रहते हैं, याद रखोगे भाषा नेट, और जम के नेट चलाते हैं, जम के इंटरनेट यहाँ चलता है, न्यू दिल्ली में कैपिटल है ये, राइट आंसर हो जाएगा डी, न्यू दिल्ली, ठीक है बच्चों। सेवंथ क्वेश्चन क्लियर है, क्या है ये, किसने लॉन्च करा है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने, ओके, भाषा नेट न्यू दिल्ली, गॉट इट बच्चों, क्लियर है इतना। तो आज के लिए इतना ही, आई होप इतना भी आप याद रख लो ना डेली बेसिस पे, तो बहुत सफिशियंट है, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत आपको आनी नहीं है, ठीक है, एग्जाम्स के टाइम पे रिवीजन करोगे इन सब फैक्ट्स का, राइट। तो स्मार्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स इस तरीके से बनाओगे, डेटा का बहुत बर्डन नहीं पड़ेगा तुम्हें, कंटेंट हैवी नहीं हो पाएगा, और स्टैटिक जीके भी तुम्हारी साथ साथ थोड़ी थोड़ी कवर हो जाएगी, ठीक है। बाकी अपनी तैयारी को बच्चों करो अच्छे से, जोरों शोरों से, ठीक है, विदाउट एनी प्रेशर, और मुश्किलें आएंगी, आसान करनी है मुस्कान के साथ। मिलेंगे अगली क्लास में बच्चों, रोज शाम को 7 बजे यहीं पर, जुड़े रहिए गैलेक्सी क्लासेस से, डेली फॉलो करिए, एंड शुक्रिया आपका हमसे बने रहिए बच्चों, थैंक यू।